यह है जॉम्बीफाइड टीरेक्स। ये एक कूलिस्ट थिंग है थॉर के इन्वेंटेड हैवी मेटल की तरह। और यह है मर्सिनरी डेडपुल। इसे हायर किया है एम ने सेवेज लैंड जाकर एक बायो वेपन वापस लाने के लिए। यह है हाइड्राइजेंट्स जो उस बायो वेपन के जरिए पूरे वर्ल्ड पर रूल करना चाहते हैं। और यह है डेडपुल जॉम्बी वर्जन जो कि अनदर डायमेंशन से बिलोंग करता है। और यही वो बायो वेपन है जो सबको चाहिए। और यह है डॉक्टर बेटी जो डेडपुल का एम कॉन्टैक्ट है। वो उसकी मदद करेगी उसके मिशन में, लेकिन वो डेडपुल को डिसलाइक करती है। जंगल में हाइड्रा एजेंट अपने लीडर से कहता है वो आदिवासी गायब हो चुके हैं, जिस पर वो जवाब देता है अच्छी बात है, अब उस कभी ना मरने वाले बास्टर्ड को ढूंढो और उसे मारने का कोई तरीका ढूंढो। और अपना गुस्सा एक बेबी डायनासोर पर निकालते हुए कहता है मैं इस जगह से नफरत करने लगा हूँ। ये मॉस्किटो हेलीकॉप्टर साइज के है, डायनासोर्स और वॉल्केनो जो हमारे सर के ऊपर फट रहे हैं। ये सेवेज लैंड यही जगह मिली थी उसे। वो विल्सन कहीं पर जाकर कोकोनट में रम डालकर पी रहा होगा। और तब हम देखते हैं वो डायनासोर उन तीनों के पीछे पड़ा था, जहाँ पर डेडपुल उसे अपने अंदाज में देखते हुए कहता है तुम बस एक बड़ी सी किटी हो, और उसके साथ मस्ती करता है। लेकिन ऊपर चढ़ते हुए बेटी उसे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, वो जॉम्बी बन चुका है, यहाँ पर आ जाओ, टीरेक्स ऊपर नहीं चढ़ सकते। और वो उसे ऊपर लेने की कोशिश करती है। तब जॉम्बी डेडपुल कहता है कि तुम्हारे पीछे कुछ है। और तभी वो जॉम्बी डायनासोर उसकी कटाना पकड़ लेता है। और नीचे गिरते वक्त डेडपुल बेटी की वॉच उसके हाथों से निकाल लेता है, जिस पर वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं ला दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं रोलेक्स या कोई और ला दूंगा जब एम मुझे पैसे दे देगी। जॉम्बी डायनासोर डेडपुल को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है, जहाँ जाकर वो एक ट्री से टकरा जाता है, जिसे देखकर डॉक्टर बेटी कहती है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, जिस पर जॉम्बी डेडपुल कहता है नहीं, वो अभी भी टिकाऊ है, और तब तक हम जाकर मालपोए ले आते हैं। तब एक ओपन ग्राउंड देखकर डॉक्टर बेटी कहती है वहाँ पर एक ओपन जगह है, शायद 2 माइल्स आगे, शायद वहाँ पर हाइड्रा के शिप्स लैंड हो जाए, और हमारा मिशन है एम वापस जाना, तो हम उसके लिए रुक नहीं सकते। जिस पर जॉम्बी डेडपुल पूछता है मुझे तुम्हारा टेक चार्ज एटीट्यूड अच्छा लगा, और क्या तुम बिना बॉडी वाले गाय के साथ ज़्यादा दूर जा पाओगी, जिस पर वो मना करती है। तब आगे बढ़ते हुए वो कहती है अगर हमें शिप मिल गई तो हम एम स्टेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, जिस पर डेडपुल उससे पूछता है तो उनके पास फ्लैप जैक्स होंगे ना। वही दूसरी तरफ डेडपुल जॉम्बी डायनासोर से जूझ रहा था, जहाँ पर वो वापस आ रहा था, जिसे देखकर उसकी आवाज़ डेडपुल से कहती है तुम उसे पैसे क्यों नहीं दे देते। और डेडपुल उसे देखकर एक जगह छुप जाता है, जिस पर वो आवाज़ कहती है पता है ना उनकी हंटिंग बेस्ड है मूवमेंट पर या फिर स्मेल पर, साउंड उस जोरेसिक पार्क में क्या कहा गया था, जिस पर डेडपुल कहता है हमने वो मूवी देखी ही नहीं है। उसी समय ऑर्बिटर स्टेशन में एक एजेंट आकर अपने सब कमांडर से कहता है सर टाइम आ चुका है, जिस पर सब कमांडर पूछता है टाइम किसका टाइम और तुम कह क्या रहे हो, जिस पर वो बताता है हम अभी ऑप्टिमम पोजीशन में है, हमें प्रोमेथियस ऑन कर देना चाहिए। सर सेंट्रल कमांड बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे अगर वो बायो एजेंट्स हाइड्रा के हाथों में चला गया तो। और वो एजेंट आगे बताता है हमारे ऑपरेटिव्स फेल हो चुके हैं वो डिलीवर करने में, तो हमें प्रोमेथियस लॉन्च कर देना चाहिए, हम उसे लॉक करते हैं उस वॉच के जीपीएस लोकेटर पर, जिस पर वो हाइड्रा सब कमांडर उसे ऑन करते हुए कहता है तो चलो कुछ लोगों को ब्लास्ट करते हैं। वही दूसरी तरफ वो वॉच अपने हाथ में लेकर डेडपुल भाग रहा था उस जॉम्बी डायनासोर से, और वो कह रहा था ये काफ़ी ज़िद्दी है, जिस पर वो आवाज़ डेडपुल से कहती है वो इन छोटे झाड़ियों में से नहीं आ पाएगा, और उसे एक सकरी जगह से जाने के लिए कहती है। लेकिन वो डायनासोर उस जगह को उखाड़ते हुए उसके पीछे आता है, जिस पर डेडपुल कहता है और कोई ब्रिलियंट सजेशन देना है तुम्हें, जिस पर वो आवाज़ कहती है उस अदर वॉइस की मत सुनो, जिस पर डेडपुल कहता है अरे यार तुम्हें तो वो अदर वॉइस हो। और तभी वो वॉच ब्लिंक होने लगती है, जिसे देखकर डेडपुल रुकता है और सोचने लगता है ये ब्लिंक क्यों हो रही है, जिस पर वो आवाज़ उसे बताती है भागना बंद मत करो। लेकिन वो सोचता है इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कोई अलार्म है, शायद डॉक्टर बेटी अपने सफल्स ओवन में भूल गई हो, या फिर उन्हें किसी तरह के पिल्स लेने हो,
या फिर वो अपने बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना भूल गई हो, हमें इसे ढूंढना होगा इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। लेकिन तभी वो डायनासोर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और तब वो डायनासोर डेडपुल को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है, जिस पर डेडपुल कहता है, मुझे लगता है शायद एक स्मॉल बोन मेरे लेफ्ट पाव में वही नहीं टूटी है। और तभी वो मिसाइल लॉन्च होती है डेडपुल की तरफ, जिसे देखकर वो कहता है, अरे आसमान में वो क्या है। और तभी वहां पर धमाका होता है, जिसे देखकर हाइड्रा लीडर अपने एजेंट से कहता है, जेंटलमैन ये एरिया अंडर फायर आने वाला है, यहाँ से निकलने का वक्त हो गया। और ज़ॉम्बी डेडपुल और डॉक्टर बेटी उस ओपन ग्राउंड में खड़े होकर ये धमाका देख रहे थे। ज़ॉम्बी डेडपुल आगे डॉक्टर बेटी से कहता है वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा, इस पर डॉक्टर बेटी कहती है, तुम बात किसके बारे में कर रहे हो, आधा जंगल जल चुका है और वहाँ पर कोई भी ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। जिस पर डेडपुल कहता है, मिलियन ऑफ डिग्रीज वहाँ पर है, वहाँ पर कोई जिंदा नहीं रह सकता, अर्थ पूरी हेल बन चुकी है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फील कंफर्टेबल करो जरा लेडी, वो आता ही होगा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ। और तब डॉक्टर बेटी कहती है, बकबक करना बंद करोगे, ये रेडिकुलस है, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला। और तभी वो देखती है डेडपुल को, जो कह रहा था पूरी तरह से भुन चुका हूँ, किसी के पास फ्रेस्का है। डेडपुल को देखकर ज़ॉम्बी डेडपुल को वही छोड़ते हुए आगे बढ़कर डॉक्टर बेटी कहती है, चलो वहाँ पर एक लेवल पैच ग्राउंड रह गया है और मैं बेट लगाकर कह सकती हूँ कि वहाँ पर हाइड्राशिप लैंड हुई होगी, चलो उसे पकड़ते हैं। जिस पर डेडपुल खुद को समझाते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पूछने का शुक्रिया। और तब ज़ॉम्बी डेडपुल उसे कहता है, ड्यूड वो तुमसे कह ही नहीं रही थी। तब हम देखते हैं हाइड्राशिप को, जिसे देखकर डेडपुल उसे बात कर रहा था, तुम्हें लगता है वहाँ पर कोई गार्ड रह गया होगा। और नीचे उतरते हुए वो कहता है, मैं होप करता हूँ कि ऐसा ना हो। और तभी एक गार्ड बाहर आता है एक सैंडविच खाते हुए, जिसे देखकर डेडपुल पूछता है, क्या उसमें चीज है। डेडपुल उस एजेंट को एक पंच में बेहोश कर देता है और खुद वो सैंडविच खाने लगता है। तभी डॉक्टर बेटी अंदर जाते हुए कहती है, मैं कॉकपिट में जा रही हूँ, लॉन्च सिक्वेंस स्टार्ट करने वाली हूँ। तभी वो हाइड्रा एजेंट होश में आता है, जिसे मिल्क का ग्लास मारकर बेहोश कर देता है डेडपुल, और अंदर जाकर कहता है, तो चलो जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर बेटी जवाब देती है, लॉन्च प्रोग्राम ऑटोमेटेड है, मैंने सिर्फ उसे स्टार्ट कर दिया है, बाकी काम कंप्यूटर कर देगा। और सेवेज लैंड में उस वेल्केनो को देखते हुए डेडपुल कहता है, मैं सच में सेवेज लैंड को मिस करने वाला हूँ, मे बी मैं यहाँ पर एक समर होम बना पाता, एक लिटिल कॉटेज उस वेल्केनो के पास में। और हाइड्रा एजेंट्स उस शिप को जाते हुए देखकर अपने लीडर से कहते हैं, सर वो टेक ऑफ हो रहा है। उस स्पेसशिप को उड़ते हुए देखकर हाइड्रा लीडर कहता है, या आखिर हो क्या रहा है। और तब उसे डेडपुल दिखता है उस शिप में उसे बाय करते हुए, जिस पर गुस्से में वो लीडर कहता है, मैं अब सच में इसे मारने का तरीका ढूंढ रहा हूँ। और वो शिप चली जाती है ऑर्बिटल स्टेशन के पास में, जहाँ पर डॉक्टर बेटी कहती है, थैंक गॉड 30 मिनट्स ऑर्बिट पहुँचने के लिए, और अगला घंटा हम बिताएंगे एम स्पेस स्टेशन में, हम फाइनली रिलैक्स कर सकते हैं हेड हंटर्स या फ्लैश ईटिंग डायनासोर की चिंता किए बगैर। जिस पर डेडपुल कहता है, रुको मैं वहाँ मिसाइल ब्लास्ट हो गया था जो स्पेस से आई थी, याद है, हमें वापस जाकर उस हाइड्रा स्पेस डिस्ट्रॉय को तबाह कर देना चाहिए। जिस पर पेटी शावर में अंदर घुसते हुए कहती है, ये कहते हुए बुरा तो लग रहा है चैम्प, लेकिन वो एम मिसाइल्स थी, उस वॉच में एक लोकेटर बीकन था और हमें ऑर्डर्स मिले गए थे वो हेड लाने के लिए, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो हमारे साथ ऐसा ही होता, और अगर तुम माइंड ना करो तो मैं जंगल की तरह स्मेल कर रही हूँ और मैं खुद को क्लीन करके कुछ नए क्लॉथ्स ढूंढने जा रही हूँ। तब डेडपुल ज़ॉम्बी डेडपुल से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है उस जैसी लड़की मुझ जैसे मर्सिनरी को पसंद करेगी। जिस पर डेडपुल कहता है, नहीं। तब हम देखते हैं जंगल में उस हाइड्रा लीडर को, जो सिग्नल भेजते हुए कह रहा था, हमें किसी और लैंडर की जरूरत है हमें पिकअप करने के लिए, कॉन्टैक्ट करो कैप्टन ऑफ द बैटल फ्रैगेट, उन्हें कहो कि उस शिप पर अटैक करे।